हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इजी सी आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। आप जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर ना आइसक्रीम मिल रही है ना कुछ, तो आप घर में ही बहुत इजी चॉकलेट आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट और एक कप मिल्क। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ओरियो बिस्किट आपको आई थिंक मिल ही जाएंगे कहीं पर भी। तो हमें सबसे पहले ये करना है, इन बिस्किट को क्रश करना है, ठीक है। ऐसे ही पैकेट में ही इन बिस्किट्स को क्रश कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इनको बहुत ही अच्छे से क्रश कर लिया है। ऐसे ही आपको एकदम क्रश कर लेना है इसको। और अब इन पैकेट को बस एक साइड से हम ओपन करेंगे। हमें इसको बस एक साइड से ओपन करना है। ये ऐसे हम दोनों पैकेट्स एक साइड से ओपन कर लेंगे। दूसरी साइड से मैंने बिल्कुल ओपन नहीं किया, आपको भी बस एक ही साइड से करना है। बस नेक्स्ट स्टेप है, हमने एक कप मिल्क लिया है और ये आइसक्रीम स्टिक्स, मेरे पास स्टिक्स नहीं थी, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ये स्पून है, ये मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये इस पैकेट में ये मिल्क डालना है। जहाँ तक बिस्किट है वहाँ तक हमें मिल्क इसमें फिल करना होगा। जहाँ तक बिस्किट है मैंने इसमें मिल्क फिल कर लिया है। ऐसे ही आपको दूसरे पैकेट में करना होगा। ऐसे ही हमने भी दूसरा पैकेट ले लिया, इसमें भी हम ये फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें भी पूरा फिल हो गया है और सिर्फ जहाँ तक बिस्किट्स हैं हमने उतना ही मिल्क इसमें फिल करना है। ये दोनों पैकेट्स हमारे रेडी हैं, ठीक है। गाइस, ये हमारा लास्ट स्टेप है कि इसमें हमें ये स्टिक लगा देनी है, ठीक है। सो गाइस, ये स्टिक्स मैंने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टिक्स ऐसे आपको लगानी है। फिर आपको एक कोई कप या ऐसे कंटेनर लेके दोनों बिस्किट्स को उसमें ऐसे रख देना है ताकि ये सीधा ही रहे। ये ऐसे रख देंगे ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे और इसकी शेप फिर ऐसे ही आएगी। आप थोड़ा बड़ा कंटेनर भी ले सकते हैं। मैंने स्टिक लगा दी और ये एक कप में इन दोनों को रख दिया है। अब फाइनल स्टेप हमारा, ये इतने इजी है कि इतनी जल्दी रेडी हो चुकी है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। फाइनल स्टेप है, इसको कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिजर में रख दीजिए कुछ घंटों के लिए। सो आप देख सकते हैं मैंने इसको रख दिया है फ्रिजर में। अब कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ना होगा।